दोस्तों मार्केट में खबरें बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं कि करीना कपूर एक और बच्चा करने वाली हैं। और भाई इस चीज को लेकर बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस थे कि इस चीज पर कोई वीडियो एंड ऑल, तो भैया मेरे को ऐसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो यार, चार करो, पांच करो, छह करो, सात करो, आठ करो, जब तक आप उनको अच्छे से पाल सकते हो कर लो बच्चे, मेरे को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ये आपको थोड़ा गलत साउंड भी हो सकता है, किसी को ठीक साउंड भी करेगा, बट पर्सनली आई डोंट हैव प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सच्चाई क्या है। जितने भी लोग अभी आग बबूला होकर बैठेंगे भाई एक और बच्चा क्यों, एक और बच्चा क्यों, तो शायद आप लोग ना थोड़े से मिसगाइड किए गए हो। पता नहीं किस शो से, किस इंटरव्यू से बात बाहर निकल कर आई, आई डोंट नो येट, कि ये खबर मार्केट में बहुत जोरों से फैली हुई है और इंटरनेट पे भैया आग बबूला हो रही है, मीम पे मीम आ रहे हैं करीना कपूर के। लेकिन अगर आप एक औरत के नजरिए से इस चीज को सोचोगे ना तो बहुत बुरा लगता है, और ये तब बुरा लगता है कि जब आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, यानी कि करीना कपूर प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर डालते हुए कहा है कीप काम गाइस, कीप काम, इट वाज द पास्ट टेंस वाइन, यानी कि कुछ शराब के नशे में उन्होंने बोल दिया होगा उफ एंड सैफ एसाइड के लिए, लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर दिया कि अब वो नहीं करना चाहते। नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फाइनली ये सोच लिया चार बच्चों के बाद कि आपने इनफ कर दिया है कंट्रीब्यूशन। चलो आखिर इन्हें पता तो है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया। भाई देखिए बच्चे आपको पता है कितने अच्छे हैं और कितने खीर हैं, बाकी के बवासीर हैं, यू नो वेरी वेल। ये बातचीत भैया ने चिल्ला चिल्ला कर दीवारों पर लिख के बता दी, दो बच्चे मीठी खीर, तीसरा बवासीर, अब देख लो इनके में से कौन कौन बवासीर है कौन कौन नहीं। बाकी अगर सैफ की अगर बात करते, दोबारा से उनका करियर ट्रैक पर आता दिख रहा है, अभी बीच में से काफ़ी गायब हो गए थे, लेकिन अभी देखें तो धीरे धीरे वापस से आ रहे हैं। विक्रम वेदा कर रहे हैं जो कि एक तमिल मूवी की रीमेक है जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति साहब ने काम किया था, और जो आर माधवन का कैरेक्टर है पुलिस वाले का वो कर रहे हैं सैफ अली खान, और जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर है गैंगस्टर का वो कर रहे हैं नन अदर देन ऋतिक रोशन। तो ये चीज़ देखने में बड़ी मज़ेदार होगी। बहुत सारी और अपडेट्स हैं सैफ अली खान से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या फिल्में कर रहे हैं, कौन कौन से आगे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अपकमिंग मूवीज एंड रिसेंट जितने भी वो काम कर रहे हैं। तो आई डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर हिम, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियोज़ नई अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।